टाइटल तो ऐड कर दो। हाँ हाँ करो। हाँ हाँ यस सर। देखो तो ऑनलाइन हाँ एजुकेशन ऑफलाइन स्टूडेंट्स इन द टाइम ऑफ कोरोना क्राइसिस, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी के साथ। आप सर डूटा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और फेडकुटा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। डूटा जो पूरे के पूरे इंडियन यूनिवर्सिटीज में एक अल्टरनेट के रूप में जानी जाती है, उनमें आदित्य नारायण मिश्रा सर का नाम एक डूटा के पर्यायवाची के रूप में भी हम देख सकते हैं। सर जो आज जो कोरोना से पहले भी और कोरोना के इस आपदा में लॉकडाउन के चलते जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार कौशल्या जी, नमस्कार आपने सर। ये मुझे मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, खाली हम लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि सारी समाज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और शिक्षा का वर्तमान और भविष्य। इतनी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और जिसमें कि ये कोई सरहद ऐसा नहीं बच गया है जो इससे प्रभावित नहीं है। आज केसेस बढ़ रहे हैं, समाज में तनाव बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था जो हालात थे, ये महामारी से आने से पहले वो भी काफी चिंता की बात थी, लेकिन अब और खराब हो चुकी है। करेंगे तब हम दोबारा मिलेंगे, तब हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तब हम कोर्सेज की बात करेंगे और हमारा मेंटर्स आपके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहेंगे, आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे। आप किसी प्रकार का चिंता में होंगे तो इनके साथ खड़ी है। बल्कि यहाँ जो मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, यहाँ सारे स्टूडेंट्स का नींद को हराम किया है ये जो यूनिवर्सिटी का फैसला। इस यूनिवर्सिटी का फैसला लेने से पहले जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को 13 तारीख को पिछले चिट्ठी लिखा, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक डीन्स का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और जहाँ पर सभी के सभी डीन्स ने एक मत में बताया था कि ये ऑनलाइन एजुकेशन एग्जामिनेशन संभव नहीं है, हम उसके पक्ष में नहीं है। इसके बाद किसी को कुछ नहीं कहना, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई यूनिवर्सिटी के तरफ से और सीधी पत्र लिख दी गई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं था और कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। अब सवाल है, ये ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्रति इनका रुझाव अचानक क्यों आ गया? उसका अगर पृष्ठभूमि का में अगर आप देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि पैटर्न ऑफ थिंकिंग है। उस पैटर्न ऑफ थिंकिंग में हमारा देश के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक पेट प्रोजेक्ट है कि ऑनलाइन एजुकेशन, मूक्स, स्वयं जैसे प्रोजेक्ट्स को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जिनके पास पैसा नहीं है वो मूक्स और स्वयं में आए और वहां पर एनरोल कराए और वहां पर एजुकेशन प्राप्त करें, और जिसके पास पैसा है, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जिनके पास जो रिच लोग हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन में जाए। और अगर इन सारी बातों को अगर आप देखते हैं
तो उससे ये फिट बैठता है कि ये क्लासरूम टीचिंग के अल्टरनेटिव के रूप में इस ऑनलाइन एजुकेशन को लाना चाहते हैं, और क्लासरूम टीचिंग उन्हीं लोगों को पास वो सीमित रखना चाहते हैं जिनके पास जो पेइंग कैपेसिटी है, तो उसको देखें ऐसा पद्धति के द्वारा हमें साफ होगा, एक सर्टिफिकेशन बनेगा कि जिन जाएंगे, और क्लासरूम टीचिंग का कोई नहीं है, हम सभी लोगों को पता है, क्योंकि क्लासरूम में आप सीधा स्टूडेंट्स को रूबरू होते हैं, उनका समझ और ना समझ को दूर करते हैं, आप इंटरैक्ट करते हैं, जो ये ऑनलाइन एजुकेशन में संभव नहीं है, और इससे साफ है कि ये क्लास डिवाइड के और हम जा रहे हैं, और ये एक्सक्लूजनरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग शिक्षा का फायदा नहीं ले पाएंगे। और भारत में जो डिजिटल डिवाइड है उसके तहत भी हमने साफ देख लिया है, चाहे स्मार्टफोन क्यों ना हो, लेकिन उसमें नेट का कैपेसिटी किसके पास है, कितने लोगों के पास उसमें है, और कितने शहर में ये व्यवस्था है, ये डिजिटल डिवाइड सरकार का आंकड़ा है, और सब जाकर के देख लीजिए कि कितने लोगों के पास, ये महज 25% के पास भी डिजिटल कैपेबिलिटी नहीं है आज हिंदुस्तान जी में। सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ और कि ऑनलाइन ऐसे एक एजुकेशन समय ऑनलाइन क्लास, जी हाँ ऑनलाइन एजुकेशन जब हमने शुरू किया कौशल्या जी, तब आपका भी अनुभव होगा, हम लोगों का भी अनुभव है, सभी टीचर्स का अनुभव है कि हमारे जो भी क्लास में 60% स्टूडेंट, 50 to 60% स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि ये जो एक ब्रेक था उस दौरान सारे स्टूडेंट्स घर गए थे, उनके पास ना किताब है ना कुछ है, और वहां पर नेट की व्यवस्था भी नहीं है, उन पास कोई लैपटॉप नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, तो ना ही कोई नेट का कनेक्टिविटी है, तो और मुझे टेलीफोन करके बार बार बोलते थे, आप लोगों को भी बात करते होंगे कि हम जी लोग चाहते हैं लेकिन चाहते हुए हम नहीं आ पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे, मैं आपको तरीके से बताना चाहता हूं, ये गलतफहमी किसी को ना रहे, बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, भरे हैं, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रावधान किया गया था वो उसको नहीं भर पाए हैं, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे एक समय में ये जो एक जुनून सवार हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय को, कि सरकार को ये करके दिखाना है कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा दिए हैं, और उनमें बहुत सारा वाहवाही मिलेगी क्योंकि ये सरकार का प्रोजेक्ट है, और उसके तहत वो चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे एक प्रबुद्ध विश्वविद्यालय, जिसका कि 100 साल से पुराने विश्वविद्यालय की धराशायी हो जाए और ऑनलाइन एजुकेशन के तरफ आ जाए, और सर, मैं आपसे ये भी एंड जानना चाह रही हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन के, हाँ ये जी, जो मैं ये जानना चाहती थी सर आपसे। सर, मुझे लगता है इंटरनेट की हाँ। कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम है, एक्सेस इंटरनेट की बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं सर ये भी जानना चाह रही थी सर आपसे कि 31 मई को दी प्रिंट पे जो बयान आया है कि जो बच्चे ऑनलाइन दे सकते हैं पेपर, जिनके पास लैपटॉप है वो ऑनलाइन पे दें, लेकिन जिनके पास नहीं है, अभी कुछ कुछ एक लोगों का 21 मई को दी प्रिंट में आर्टिकल भी छपा है, उसमें ये कहा गया कि कुछ पेन पेपर से देंगे और कुछ लैपटॉप और इंटरनेट से देंगे। क्या सर ये मैं आपको असामाजिक? बता रहा हूं, जी, देखिए कौशल्या जी, हम एजुकेशन में उच्च शिक्षा में कोई हमने भेदभाव नहीं रखा है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो घर से हैं, हम नहीं देखते हैं, नंबर पर हम लोग उनका एडमिशन करते हैं, और वो आ जाते हैं तब तो हमारे सामने वो समान होते हैं, और उसी क्लास को वो शेयर करते हैं, और एग्जाम का जो पर्पज है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेस्ट होगा, कुछ एग्जामिनेशन का सवाल पूछा जाएगा, और उसको वो लोग एक पर्टिकुलर
15 तारीख को 2 बजे एग्जामिनेशन होगा, वो सभी बच्चों के लिए होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा, और सवाल सबसे पूछा जाएगा, जवाब जो देगा उसके आधार पर उनका जो मेरिट है वो तय की जाएगी। ये एग्जामिनेशन है, एक उसमें आप मेरिट तय होती है। लेकिन अब जो है कुछ लोगों को ये पड़ी है कि किसी तरीके से सरकार का इस मुहिम का सार्थक बनाया जाए, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि कुछ भी अल्टरनेटिव हो वो चलेगा, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन देंगे, कुछ लोग पेन पेपर में लिखेंगे, जो कुछ लोग नहीं देंगे वो किसी समय में उनका एग्जामिनेशन। आप मुझे बताइए जब वो अपलोड करेंगे कितना नेट की आवश्यकता है, कहां पर नेट का उतना स्पीड है मुझे बता दीजिए। अगर समय पर अपलोड नहीं हुआ तो क्या होगा? और दूसरा, जो बच्चे नहीं दे पाएंगे उनके लिए रखा जाएगा कि जब कभी खत्म होगा तब वो आएंगे और एग्जामिनेशन देंगे। तो ये जो 3-4 प्रकार का मोड में आप एग्जामिनेशन लेंगे, किस मापदंड के आधार पर उनको आप मेरिट में कन्वर्ट कराएंगे, उनका रैंकिंग क्या होगा, उनके ऊपर लोग मजाक बनाएंगे, हमारा डिग्री एक मजाक का पात्र बन जाएगा, लोग सर मैं कोई मैं ये पूछेगा वो बच्चा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका फाइनल ईयर है का पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके जब ये लेकर के जाएगा और जहां भी इंटरव्यू में जाएगा वो हास्य का पात्र बनेगा। हम नहीं चाहते कि ये स्टूडेंट में उन लोगों की रहे, जितने स्टूडेंट से बात हो रही है सब उसका विरोध कर रहे हैं, इसे विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है और यूनिवर्सिटी का व्यवस्था है जिसमें कि किसी का विरोध, किसी का सलाह, किसी का सुझाव को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। जो तय हो गया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उनको यही कहा गया है। अब ये कौन सा है, कुछ बच्चों पास जो पैसा होगा वो कोचिंग सेंटर मदद लेंगे, धंधा बनेगा और बाजार लगेगी पर जैसा वो जाकर के किसी एक्सपर्ट से अपना लगा और अपलोड करवाएगा, और जिस ऐसा नहीं होगा वो एग्जामिनेशन दे ही नहीं पाएगा, ना ही उसके पास लैपटॉप होगा, ना ही उसके पास ये हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी होगा। और सवाल जो हमारे सामने खड़ा कर रहा है तो उतना ही बड़ा हादसा होने वाला है कौशल्या जी और हमारे दोस्तों, जो हादसा हमने सड़क के ऊपर लॉकडाउन के पश्चात देखा। कह तो दिया गया कि घर में रहिए, हाथ धोइए, कौन आदमी नहीं चाहता है कि घर में रुके हाथ धोए, किस आदमी नहीं चाहता है मेरी पत्नी सड़क के ऊपर 2000 किलोमीटर चले, मेरा बच्चा 2000 किलोमीटर चले, मेरा पांव फट जाए, कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है ना। लेकिन अगर आप हंगर को एड्रेस नहीं करेंगे तो लोग मौत और हंगर दोनों को देखा तो देखा कि कम से कम हम तो हंगर से मर जाएंगे, इसलिए सड़क के ऊपर आ गया। उसी प्रकार का हादसा इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से होने वाला है, जिसको लेकर के हम सारे, मुझे पता चला था कि 20 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने ये साफ तरीके से बताया कि यूनिवर्सिटी को कि ये संभव नहीं है, लेकिन किसी का क्या मजाल कि यूनिवर्सिटी को बता दे, वो तो तय करके बैठे हैं कि हम इसको कराएंगे। अब आप देखिए ये सवाल है कि कौन इसको एफोर्ड कर सकता है, कौन उसको एफोर्ड नहीं कर सकता। जो एफोर्ड करेगा वो सब लोगों का मदद लेगा और अच्छा से एग्जामिनेशन देगा, उसके लिए 4 एक्सपर्ट्स लगेंगे, सब हो जाएगा उसका। इसका फॉलोआउट क्या होगा? एक तो ट्यूशन ऑफ डिग्री होगी, जिसमें लोगों को सवाल पूछा जाएगा क्या ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के तहत आपने आप पास किए हैं, तो एक सवालिया निशान खड़ा होगा उनका। जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है वो सबसे सैक्रोसेंट है, जब उसके ऊपर सवाल होगा तो सारी व्यवस्था के ऊपर सवाल होगा। दूसरा, एग्जामिनेशन इज पार्ट ऑफ वर्कलोड एंड ड्यूटी, ये हमारा वर्कलोड का पार्ट है, ड्यूटी है। जब इसमें डाइल्यूशन होगा हर टीचर का वर्कलोड को भी अफेक्ट करेगा, और इसके तहत जो जो एडहॉक टीचर से
उन और कंटिन्यूएशन में 5000 एडहॉक तदर्थ शिक्षक हमारे साथ हैं जो कई सालों से पढ़ा रहे थे और जो आंदोलनरत थे कि उनका ऐसा नहीं चाहिए। उस समय में भी सरकार ने नहीं सुनी, बहुत लोगों ने नहीं सुनी, ये दुखद बात है। अगति होती है आज हमारा लड़ाई काफी मजबूत होती। सबसे पहले गएगा अगर इस प्रोसेस में कोई अगर परमानेंट टीचर ये सोचता है कि मैं तो बच जाऊंगा, मुझे नहीं कुछ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो ऑनलाइन इनके ऊपर भी इस असर पड़े। जब ऑनलाइन टीचिंग होगा तो क्या हुआ रहेगा, 2-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। आज ओपन करेस्पोंडेंस कोर्सेस में कितने टीचर्स हैं, इनमें कितने टीचर्स हैं और वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स कितना है। अगर उस मापदंड को अगर आप लेंगे तो आप सरप्लस हो जाएंगे। जो लड़ झगड़ करके हम लोगों ने 4.5 वैकेंसी लेकर के आए थे ओबीसी एक्सपेंशन के बाद, वो सब के सब निराधार हो जाएंगे। इतने दिनों से जो लोग काम कर रहे हैं वो सब और हम लोगों के ऊपर भी इसका सवाल खड़ा होगा और हम लोग भी सकते हैं शब्दों में सबको बता देना। और इसके और अगर आप देखते हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को अगर आप देखते हैं उसमें इसी प्रकार चीजों को कहा गया है। कोरोना तो एक बहाना है, हो तो रहा है इंप्लीमेंट जो उनका शिक्षा का नीति है जो 2019 और सरकार जब से आई है बार बार वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस में जो नायर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा खोले गए हैं उसका सैलरी स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं करा, किसी का सैलरी स्ट्रक्चर उन लोगों को नहीं मिलेगा जो उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगी वो मिलेगा। 2-4 साल के लिए उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी और जो स्टूडेंट्स उसमें पैसा लेंगे जो आज यूनिवर्सिटी में जो मुझे लगता है थोड़ी इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बीच में। सर मैं एक सवाल ये भी जानना चाह रही थी कि अगर यूनिवर्सिटी डूटा और स्टूडेंट्स के विरोध के बावजूद भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स से। सर जी सर मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी आपसे कि डूटा और स्टूडेंट्स के विरोध के बावजूद भी अगर दिल्ली विश्वविद्यालय कंडक्ट करवाता है एग्जाम, ओपन बुक रिमोट ओपन बुक परीक्षा अगर आयोजित करता है तो क्या सर SC ST OBC वीकर सेक्शन डिप्राइड सेक्शन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत है इंटरनेट में, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम चर्चा ही उस तरीके से नहीं कर पाते, एक्सेस इंटरनेट नहीं हो पा रहा, तो एग्जाम में जब ओपन बुक जो अपलोड करने का टाइमिंग होगा और जो आंसर शीट तुरंत देनी होगी तो कैसे स्टूडेंट उसको एक्सेस कर पाएंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। अभी हम बात कर रहे थे डूटा के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा सर से, जिनसे हम बहुत सारे सवालों के साथ बीच में आ रहे थे, मेरे पास ढेर सारे सवाल मैसेज के थ्रू आ रहे हैं और कई सारी। सर मैं ये जानना चाह रही थी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, करता है तो SC ST OBC के स्टूडेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी
मैं आपको दो बातों को ऊपर ले जाना चाहता हूं। हेलो, जी 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 एक सर तो गडकरी जी का जो स्टेटमेंट है, तो दूसरे हिस्से में ये कहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुकी है। नॉर्मेट का मतलब है कि इसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रह गई है। शिक्षा, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट है। शिक्षा और खास करके उच्च शिक्षा के माध्यम से 1947 के बाद अगर किसी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन संभव हुआ तो शिक्षा के माध्यम से ही संभव हुआ। लोगों का जो नजरिया बदला, लोगों का आर्थिक अवस्था में सुधार हुई, लोगों का सामाजिक परिवर्तन संभव हुआ। लेकिन ये मानते हैं कि एनपीए हो गया है। अगर किसी देश का शिक्षा व्यवस्था अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके वो डिक्लेयर कर किया जाता है सरकार के द्वारा, वो एक ऑनरेबल मेंबर है कैबिनेट का, तो देश भी एनपीए हो चुका है, ये समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी कोई तेल बेचने का संस्था नहीं है कि सरसों का तेल और कड़ू तेल कितने में हमने खरीदा और कितने में बेच दिया, शाम तक उसका हिसाब किताब रखा जाए। ये सामाजिक चेतना युग निर्माण का एक संस्था है ये, इसको आप इतने सहज से आंकलन नहीं करना चाहिए। जो दुर्भाग्य है कि ये कहते हैं कि एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुके हैं। दूसरा, जो फिनांस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, अगले दिन, उससे अगले दिन वो कहते हैं कि वो कहती हैं कि 100 यूनिवर्सिटीज, लीडिंग यूनिवर्सिटीज को हमने इजाजत दे दी है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन चालू करेंगे। किसके कॉस्ट पर? नॉर्मल एजुकेशन के कॉस्ट पर वो ऑनलाइन एजुकेशन चालू करेंगे। इसका खामियाजा किसको भुगतेगा? वही जो बात मैं पहले कह रहा था, उसी दिशा में ये सारा चीज जा रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 100 कोर्सेज को हमने हरी झंडी दे दी है ऑनलाइन के लिए। लगता है ये जो जियो यूनिवर्सिटी है और बाकी जो यूनिवर्सिटी है इस देश का, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जियो तो खुला भी नहीं है ढंग से, वो इसी नॉर्मल एजुकेशन को, जो क्लासरूम एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे, बाकी सारे जो संस्थाओं को ये ऑनलाइन एजुकेशन के ओर ढकेलना चाहते हैं। ये इसका अगर हम समय से पहले अगर समझेंगे नहीं तो समाज को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाज का उन तबकों को, जो गर्ल स्टूडेंट्स को, जो दूसरे, जो हमारा आज 55% लोग ऐसे क्लासेस में हैं जो कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूं, और दूसरे जगह का तो और भयावह होगा। अगर ये यहां पर आ पाते हैं और शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, एक नीति के तहत वो प्राप्त कर पाते हैं, तो अगर ये सारा चीज होगा, ये ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, तो नॉर्मल एजुकेशन तो उनका बस के बाहर हो जाएगा। अब एक बात उठती है कि उन्होंने कह दिया पहले कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। ये यूजीसी का कमिटी का रिकमेंडेशन है अभी जो आया है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्या होगा? ऑनलाइन होगा, और आगे प्रैक्टिकल्स की भी जरूरत नहीं है। 25% आपका थ्योरी का क्लास भी आपको ऑनलाइन से होगा। इसका सीधा सीधा असर स्टूडेंट्स के ऊपर भी पड़ेगा और टीचर्स के ऊपर रूप से पड़ने वाला है। आज अगर ये जो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्या है? ऑन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जो अपने हाथ से जब आप करेंगे, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिलाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्या होता है। केमिस्ट्री वाले करते हैं, फिजिक्स वाले दूसरा करते हैं, बॉटनी वाले करते हैं, जूलॉजी वाले करते हैं, और वो प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसको आप बंद कर देते हैं, ये समाज का ये जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो बात है, ये एक मियर स्लोगन से भी घटिया हो गया है। आप मुझे बताइए कि एक स्विमिंग पूल, मैंने स्विमिंग पूल के बगल में किसी को खड़ा करके आप कहेंगे कि स्विमिंग कैसे किया जाता है, और जब वो बता देंगे कि ऐसे हाथ मारना है, ऐसे करना है, तो स्विमिंग आपको आ जाएगा, फिर उसको आप भेज देंगे ओलंपिक्स में, तो क्या करेगा? वैसे ही ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के तहत ये शिक्षा संभव नहीं हो सकता है। वास्तविकता से दूर नहीं जाना चाहिए हमें समझना चाहिए कि
आज आप देखिए, सारा विश्व में कोई मंदिर, गिरजाघर, कोई चर्च और इस सब के और लोगों का नई रुझान है। वो देख रहे हैं आज आस्था है, लेकिन आस्था इस पेंडेमिक से निकलने के लिए, वैश्विक महामारी से निकलने के लिए वो देख रहे हैं कि हमारा साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, हमारा में क्या हो रहा है। वैक्सीन तो लैब में ही बनेगा ना, जिस लैब को पैसा देना बंद कर दिया है। आपको मैं बता दूं, पिछले 6 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है, उसमें ऑनलाइन जर्नल्स नहीं आ रहे हैं। ये तो हमारे स्टूडेंट्स कैसे कैसे करके रिसर्च कर रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज, और क्वालिटी ऑफ रिसर्च डेफिनेटली असर कर रहा है। ऑनलाइन जर्नल्स, आजकल सारी जर्नल ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन जर्नल्स नहीं आ रही है। तो सर, जब मैं ये हमें भी जानना देखना, चाहती थी आपसे कि जहाँ सीबीएसई चाह रही है कि लॉकडाउन के बाद एग्जाम हो, जहाँ आईआईटी नहीं चाहता हम आप लॉकडाउन के बाद होंगे उनके यहाँ भी, दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों चाहता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो? जी सर, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है शायद बार बार। और ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है कौशल्या जी। लोकतंत्र में शिक्षा का बहुत अहम भूमिका है। विवाद, संवाद और मतभेद, ये सब लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। अध्ययन होगा, बुद्धि नहीं होगा तो क्या सवाल पूछेंगे। सरकारों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कोई सवाल ना पूछे, तो लोकतंत्र नहीं होगा, तानाशाही होगी। और ग्रेजुअली वर्ल्ड ओवर में, अभी अगर ये बीमारी को अगर आप देखेंगे, हम लोग उसी एक तानाशाही युग के ओर बढ़ रहे हैं, एक बर्बर ताकत के ओर बढ़ रहे हैं, जो हमें ये कहता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। लोगों का सवालों को दुश्मनी के रूप में लिया जाने लगा है। समाज में भाईचारा को हम खत्म कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ऐसे समय में शिक्षा की बहुत बड़ा जरूरत है, सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा, मैं समझता हूं कि बहुत सारे छात्र हमारा वंचित रहेंगे सही शिक्षा के क्षेत्र से। सर, मैं ये भी जानना चाह रही थी आप, आपसे कि क्या सुझाव है आपके, हाँ विश्वविद्यालयों को क्या करना चाहिए एजुकेशन परीक्षा को आयोजित करने के लिए? आपके आपका अनुभव है सर, आपने देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतना वक्त बहुत सारे उतार मैंने चढ़ाव को देखिए, देखा मैं अनुभव जितने से। भी मेरे जितने भी मित्र लोग हैं देश में, विदेश में, सबसे मेरी बातचीत हुआ है, सब फुर्सत में है इस वक्त। और उन सभी का मानना था, शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों का, कि एक बार यूनिवर्सिटी खुलेगा, सामान्यतः सिचुएशन होगा, तनाव से लोग हटेंगे, तो तभी जाकर के आप अगर ये परीक्षा वगैरह लेंगे तभी होगा। जब परीक्षा ही नहीं होगा, अब ये कह रहे हैं कि वो बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे। अरे कहाँ एडमिशन लेंगे, कहाँ एग्जामिनेशन हुआ है, किस प्रकार का एग्जामिनेशन वो देना चाहते हैं, किसका बस छूट रही है। तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त है हमें अपना धैर्य को रखने का। और यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा लाइट हाउस है, जहां से रोशनी दूसरों को लाइट देती है। वो अपना लाइट को खुद छिपाने की कोशिश ना करें। और जब नॉर्मल सिचुएशन होगा तब तो बच्चे घर से लौटेंगे। अब मैं बच्चों से पूछता हूं, हम मेटेरियल देते हैं, वो डाउनलोड नहीं कर पाते, उनके पास ना कोई किताब है, कहां से दे देंगे एग्जामिनेशन। कोई समझाए ये बस बातों को। मैं आपको कौशल्या जी बताना चाहता हूं, शिक्षक पेरेंट्स के बाद अगर छात्र का कोई भला चाहता है तो शिक्षक चाहता है। हमारा भी भला किसी शिक्षक नहीं चाहता, हम भी भला चाहते हैं अपने बच्चों का।
ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से छात्रों का भला तो नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। ना ही एकेडमिक काउंसिल, ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ना ही किसी से कोई सलाह मशवरा किया गया। सर आपकी आवाज बीच में ना जा रही है, मुझे लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की बहुत मुश्किल हो पा रही है हम लोग उसको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। मैं माफी चाहूंगी तमाम दर्शकों से। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इसके लिए तैयारी कुछ और तरीके से किया जाता है, उसके लिए कोर्सेज का स्ट्रक्चरिंग भी अलग तरीके से होती है, उसके लिए छात्रों को हम मेंटली अलग रूप से मेकअप करना चाहिए बहुत पहले से जब हम पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, कैसे कर देंगे? जो लोग ये कर रहे हैं वो किसी ना किसी दबाव के तहत कर रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि इस व्यवस्था से एक भयंकर हादसा होने वाला है। ये हादसा को रोकने के लिए, ये व्यवस्था को इसी प्रकार से रोकना होगा और उन लोगों को उसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा। कोई गड़बड़ हाथा नहीं है, जब यूनिवर्सिटी खुलेगी एग्जामिनेशन हो जाएगा, जो बड़े एग्जामिनेशन है। अगर थोड़ा सा हमें तो अगर ये कोरोना के साथ जिंदा भी रहना है तो जो बड़े एग्जामिनेशन है उसको आप दो शिफ्ट में कर दीजिए, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है और कोई ऐसे पेपर्स होते हैं जो बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, तो उसको आप मॉर्निंग में कर दीजिए, इवनिंग में कर दीजिए। तो एक एग्जामिनेशन जो एक शिफ्ट में होता था दो शिफ्ट में हो जाएगा और 10-12 दिन एग्जामिनेशन और आगे बढ़ जाएगा। सैटरडे संडे को भी आप एग्जामिनेशन ले सकते हैं, दो तीन दिन का गैप में सबका, तो सही तरीके से मूल्यांकन भी होगा। एग्जामिनेशन कोई मजाक का वस्तु नहीं है और ये खिलवाड़ दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए काफी भारी पड़ेगा। सर हम कुछ सवाल आपसे, आपके पास साथ ही साथ लोग पूछ रहे हैं, दो तीन सवाल ले लेते हैं जो सबके लगभग कॉमन है, सब देख रहे हैं हाँ आपको, श्रुति बिल्कुल, गौतम जी देख रही है सर, कुछ सवालों को ले लेते हैं। किसी ने सवाल भेजा है सर आपसे कि जो जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अगर इंडिया में स्थापित होता है, क्या रिजर्व सीटों पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जितने प्रोफेशनल कोर्सेस और जो अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के नाम पर जो कोर्सेस ये चला रहे हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, और जो अगर होगा भी तो बाकी लोगों से, अगर वो 1 लाख रुपया लेंगे तो उनसे अगर आप 60,000 रुपया लेंगे तभी भी तो ज्यादा हो गया ना, तो नेचुरली वहां वो जा नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली वो जाएंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन एजुकेशन जैसे करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के, और वो जाएंगे। और जहां वो क्लासरूम टीचिंग से वंचित हो गए, जो बच्चों का पहले ही कोई समझ नहीं बनी है, जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं, जो क्लासरूम से बहुत कुछ वो सीखता है, बाहर के बच्चे जब आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, टीचर से जितना वो चीजें सीखते हैं, क्लासरूम में अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए वो ज्यादा चीजें सीखता है, अपने पीयर से सीखता है, एक माहौल से सीखता है, वो सब तो उसके लिए वंचित होगा ना। जब वो वंचित होगा तो वही है जो ब्रिटिश मैकाले का जो पॉलिसी था कि इंग्लिश एजुकेशन में आप क्लर्क पैदा करना है, तो क्लर्क भी नहीं पैदा होंगे। ये चाहते हैं कि जो मॉल्स में टाई वाई लगा करके खड़े होंगे, कुछ ऐसे लोग खड़े रहे जो सामान बेचें, और कुछ लोग जी जिनके पास एजुकेशन है वो मैनेजमेंट के पोजीशन पर जाए। कई देश में, अभी ये समय का कमी है, कई देश में ये सिस्टम अपना चुके हैं और वो देश भयंकर गड़बड़ी में फंस रहा है जी अमेरिका कि में सिर्फ वहां का जो 8% है मैनेजरियल। जी। सर एक सवाल तो मेरे आप तो पास ये बहुत सारे आया है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी गई हैं, हाँ आप तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी गई हैं, आपको तो अच्छे से अनुभव है। जो सर जी। यूनिवर्सिटी इस प्रकार का चीजों में फंस गई हैं, वो सामाजिक उत्थान कभी नहीं कर सकती है, सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकती है, महिलाओं का उत्थान हो नहीं सकता है,
ये कैसे हम समझाएं कि 1947 से पहले लड़कियों 7 लाख महिलाओं का नाम ही नहीं था, वो किसी का मां किसी का बहन के रूप में उनका पंजीकरण हुआ था, इसका मतलब उनका अपना कोई पहचान नहीं था। उस देश में हमने शिक्षा को आज इतना जड़ीभूत किया है, इतने यूनिवर्सिटी खुले, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले, और 60% आपका जो फॉरेन रिजर्व है आज हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा ये कंट्रीब्यूशन आगे घट जाएगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और बढ़ रहा है समाज, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने अच्छे अच्छे संस्थानों में भी नहीं सिखा रहे। जी सर, एक सवाल मेरे पास ये आया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अगर कंडक्ट करता है एग्जाम, तो एससी एसटी ओबीसी डिफाइड सेक्शन वीकर सेक्शन जो रिमोट एरिया में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके एग्जाम कैसे हो पाएंगे? फिर लॉकडाउन के चलते तो वो तो आ भी नहीं सकते, अभी छुट्टियों में घर गए हुए थे स्टूडेंट्स, नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल वो देखिए वो कैजुअल्टी बनेंगे, उनमें तनाव है, वो मुझे बात भी कर रहे हैं, आपसे भी बात करते होंगे, हम सभी से बात कर रहे हैं, वो भयंकर तनाव में है और वो असहाय महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए लॉकडाउन में जो लोगों ने अपने सोचते हैं कि अपने दिमाग को भी हमने बंद कर दिया, मैं अपील करना चाहता हूं, मैंने इस बारे में लिखा भी था कि लेट अस नॉट लॉक डाउन आवर माइंड्स, दिमाग को खोल करके रखें, हमारा जो चेतना का शक्ति है उसको जगा करके रखें, ताकि हम समझ सके कि गलत क्या है सही क्या है, हमारा भला किसमें है, समाज का भला किसमें है। अगर आप ये सोचती हैं कि कोई भी सोचता है समाज का कुछ हिस्सा तो खाए नहीं खाना और हम खा लेंगे, नहीं पचेगा, नहीं पचेगा वो खाना और समाज में तनाव बढ़ेगा। जी एक स्टूडेंट सर मैसेज भेज के पूछ रहा है मुझसे कि क्या अब इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन दे के विश्व गुरु बनना चाहता है, जबकि यहाँ तो आश्रम व्यवस्था रही है। विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट, जी देखिए जो कौशल्या जी मेरा बहुत डिफरेंट टेक है विश्व गुरु के मामले में, मैं कभी उस शब्द को प्रयोग नहीं करता हूं और ये काफी रेसिस्ट शब्द है। जैसे जर्मनी में ये कहा गया था हिटलर के द्वारा कि जर्मन्स आर द बेस्ट पीपल, वो रेशियली सुप्रीम है, और वहां पर ज्यूस को बाकी लोगों को मार दिया गया। जापान में कहा गया कि वो सबसे बेहतरीन लोग हैं जिसमें क्षमता है। तो इस प्रकार का एक जो माइथोलॉजी एंड मिथिकल कॉन्सेप्ट्स को ला करके हम अपना ईगो को बढ़ाना चाहते हैं, कई वास्तविकता से हम दूर जाते हैं। हम विश्व गुरु क्या, हम गुरु तभी बन पाएंगे जब शिक्षा को हम सही दर्जा देंगे, हमारे लोग शिक्षित होंगे, हमारे लोगों के पास चेतना रहेगी, कंसाइंस रहेगी, कॉन्शियसनेस रहेगी, हमारा लोगों के पास तर्क का रहेगा, रैशनलिटी का जगह रहेगी। ये सब की कमी में कौन सा गुरु, किसका गुरु वो बनना चाहते हैं, ये बोलने से नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों ने कई बार कहा हम 1 लाख करोड़ दे देंगे, 10 लाख करोड़ दे देंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जैसे वो आज मजाक के रूप में लगता है, वैसे ही आज अगर कोई कहे कि मैं विश्व गुरु या इस प्रकार का भावना को हमें कभी नर्चर नहीं करना चाहिए। हर समाज में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, हमारा समाज में भी सब कुछ सही नहीं था पहले, हमने समाज में बहुत एक्सक्लूजनरी समाज था, बहुत सारे लोगों को हमने समाज का मेन स्ट्रीम से दूर रखा था, महिलाओं का सती प्रथा का सामना करना होता था, बाल विवाह होती थी, दलित पिछड़े लोगों को समाज के हिस्सेदारी से वंचित रखा जाता था। ये कौन सा गुरु, ऐसा तो कोई गुरु नहीं कहेगा। तो इसलिए मैं कभी इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, जब कभी ये सब बातें होती है मैं कम से कम चुप रहना पसंद करता हूं, कि कुछ लोगों का ईगो अगर बढ़ रहा है, अगर उनको सुखद अनुभव मिल रहा है ये बोल बोल करके, कहां सा कौन सा गुरु था जो ये कहेगा कि सड़क के ऊपर आज आपका लोग मर रहे हैं, मरा हुआ बच्चों को महिलाओं ने किलोमीटर किलोमीटर तक अपने गो कोक में रख करके निकले हैं, सड़क के ऊपर लोग डिलीवरी कर रहे हैं। हम इन ये सारी हकीकत है, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं,
नीतियों का एक कमी हो लास्ट सकती है क्वेश्चन और उस सर, नीतियों एक का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने सवाल भेजा है बिल्कुल मेरे पास कि आप ये बताएं कि क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट तो नहीं है, लॉकडाउन के माध्यम से जो लागू करने की कोशिश है यूजीसी और यूनिवर्सिटी के द्वारा। 100% 100% ये उसी का हिस्सा है और वही सोच है और वही सोच उसमें भी यही बातें थी कि MOOCs स्वयं और जो ऑनलाइन पोर्टल्स को प्राथमिकता मिले और जो लोग इधर आना चाहते हैं, अब ये कह दिया यूजीसी ने जैसे कि एक साथ में आप दो डिग्री कर सकते हैं। अरे एक डिग्री के लिए तो उनको जगह नहीं मिल रही है, एक डिग्री करना तो उनके लिए मुश्किल है, तुम दो डिग्री करना करवाने के लिए आपने नीति बना लिया। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जब हम लोगों का ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का जब तक खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पनप नहीं पाएंगे। तो इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो दिल्ली विश्वविद्यालय, बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट में बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, अक्रॉस द कंट्री जामिया है, आपका JNU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है, पटना यूनिवर्सिटी है और विश्व भारती है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज को ये दरकिनार करके खत्म कर दिया जाए किसी तरीके से, जहां पर लोग नहीं जाएं और जो जाएं भी तो उन्हीं वही लोग जाएं जो इसको एफोर्ड कर सकते हैं, वो समाज का उन लोगों का हिस्सेदारी उसमें बंद हो जाए, प्रश्न पूछना लोग बंद कर दें। और यही सारा चीज है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें वो कहते हैं कि फॉरेन फैकल्टी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस में, 24% फॉरेन फैकल्टी होना चाहिए। 1947 के बाद कौशल्या जी, हमारा जो पॉलिसी मेकर्स थे, कभी उन्होंने नहीं सोचा कि फॉरेन फैकल्टी को बुला करके ला करके हम IIT, IIM और विश्वविद्यालय बनाएंगे। हमने कोर्सेज को अपने स्ट्रक्चर किया, हमने कोर्सेज को खुद पढ़ाया और आज वो खाली इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। अगर आप फंड का कमी नहीं रखेंगे, देखिए फंड्स में जो इंडिकेशन है आपको उसको भी समझना होगा, 2012 में 4.7% बजट का हिस्सा एजुकेशन में आता था, आज वो घट करके 3.1.5% या 2% में रह गया है, 1% में रह गया, 3.1% में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा किस दिशा में जा रहा है। ये अनडाउटेडली आज हर कोई मानेगा, दो विषय के ऊपर सबसे ज्यादा आपको की जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये महामारी ने एक ऐसा तस्वीर पेश किया है कि आज हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, कितना वेंटिलेटर्स है ये सवाल क्यों नहीं कोई बताता है? या पेशेंट्स को अभी जो कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं उनको कह रहे हैं कि घर में ही रुकिए, हॉस्पिटल मत आइए, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। पर आंकड़ा जो शतक में 100 लोगों के ऊपर, 1000 लोगों के ऊपर जितने बेड होना चाहिए हॉस्पिटल का, अगर देखा जाए इंडिया कहीं फिगर नहीं करती है। जी हमें इन सारा चीजों के ऊपर खर्च करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमें धनराशि देनी चाहिए जो नहीं मिल रही है और जिसके तहत आज शिक्षा और स्वास्थ्य कैजुअलिटी है। उसको सबसे पहले आपने क्वारंटाइन करके रखा हुआ था तो समाज आज भुगत रहा है, उसको जवाब नहीं मिल रहा है और इसका जवाब हमारा ही लेब से निकलेगा, लेकिन उसको आप एनेबल कराइए। सर, बहुत सारी चर्चा आपके साथ हुई, तमाम दर्शकों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आज जब CBSE इतना बड़ा बोर्ड है, वो चाहता है कि लॉकडाउन के बाद परीक्षा होगी, IIT चाह रहा है, खुद जो UGC की कमेटी बनी हुई है उसके अध्यक्ष जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा नहीं ले रहे हैं, तो हमें इन सारे सवालों बिल्कुल पर ठहर के सोचने की जरूरत है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कहीं ऐसा ना हो, हमारी हायर एजुकेशन जिससे हम
आगे बढ़ेंगे, दुनिया में डंका अपने शिक्षा के दम पर बजाएंगे, कहीं वो ऐसा ना हो वो ड्रम ही हमारा टूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम सवालों को हम सबके सामने रखा। मैं आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद बोलती हूँ सर, कि आपके सवालों के धन्यवाद जवाब कौशल जी, जो आपने आपने मुझे दिए। मौका ठीक दिया बोलने के लिए, धन्यवाद। ठीक आभार सर। थैंक यू, थैंक यू।